फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज मैच खेला जाना है कलकत्ता और चेन्नई के बीच में, इस आईपीएल में 33rd मैच खेला जाएगा और ये मैच खेला जाएगा कलकत्ता के ईडन गार्डन के स्टेडियम में। तो इस मैच का वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या मैं ऊपर आपको उस वीडियो की ऊपर आई बटन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हो। क्योंकि हमने उस वीडियो में बात की है दोनों की प्लेइंग 11 की, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, और हमने बात की है कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और हमने बात की है कि इस आईपीएल में अब तक कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इन दो टीमों में से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों की न्यूज़ की। तो कलकत्ता की तरफ से जो सबसे बड़ी न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि कलकत्ता में अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, तो मैच के बीच में बारिश हो सकती है। अगर मैच के बीच में बारिश होती है तो आपको पता है मैच है जो शॉर्ट हो जाएगा, मैच या तो 10 ओवर या 12 ओवर का भी हो सकता है। तो आप अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन पिक करना, और जो आप बॉलर पिक करो तो बॉलर में आप उन्हीं बॉलर को अपनी टीम में पिक करना जो शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, जिससे आपको बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में पॉइंट मिल जाएंगे। तो बारिश हो सकती है, 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो अभी मौसम की रिपोर्ट मैंने देखा वहाँ का, बारिश हो सकती है मैच के बीच में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 6 ग्रैंड लीग्स की टीम की। ये 6 ग्रैंड लीग्स की टीमें आपके लिए ऐसी टीम मैंने बनाई है, बारिश को देखते हुए मैंने बनाई है, क्योंकि बारिश के हाई चांस है आज के मैच में। और हम इस वीडियो में साथ ही बात करेंगे एक ऐप जो लॉन्च हो चुकी है, फैंटेसी क्रिकेट की ऐप है जो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है फैन वाटिका। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, हम इस ऐप की इस वीडियो में बात करने वाले, और साथ ही बनाएंगे हम इस ऐप की टीम की। आप फैन वाटिका में कैसे साइन अप कर सकते हो, कैसे आपको जो है बोनस मिल सकता है, और आप कैसे इसमें टीम बना के विन कर सकते हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम फैन वाटिका की, फिर हम बनाएंगे 6 ग्रैंड लीग्स की टीम की। तो आपको फैन वाटिका की जो लिंक है इस ऐप की, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फैन वाटिका का ऐप है जो ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आपको फेसबुक या गूगल पे सीधा क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, ताकि आपको 100 रुपये का बोनस मिल सके। तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पहले अपना जो नाम है वो डालना है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फिर आपको जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आपको डालना है, फिर आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपकी बर्थ डेट, और फिर यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपके सामने सीधा ही ऑप्शन खुलेगा रेफरल कोड का, और जो मेरे रेफरल कोड है वो है FAISA और 85057। तो ये मेरे रेफरल कोड है, आपको ये रेफरल कोड यूज़ करने है तभी आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा। पहले आपको मेरे रेफरल कोड यूज़ करने है, फिर आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड वेरीफाई कराना है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड 8 या 9 घंटे में जो है वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा, जिससे आप 100 रुपये से ही अच्छा विन कर सकोगे। अब बताता हूँ मैं आपको फैन वाटिका में अभी ऑफ़र क्या चल रहा है। तो मेरा तो पहले ही सब कुछ वेरीफाई किया हुआ है, साइनअप किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा गूगल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मेरी जो फैन वाटिका की ऐप है वो ओपन हो जाएगी। आपको ऑफ़र के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, देखिए आप अगर 50 रुपये से लेके 555 रुपये तक डिपॉजिट करोगे तो आपको 75% तक बोनस मिलेगा, मतलब 75% आपको बोनस मिलेगा, जिससे आपका और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपको बोनस मिलेगा, इस बोनस से भी आप जो है इस ऐप में अच्छा विन कर सकते हो, क्योंकि ये नया ऐप है, अभी कोई कॉम्पिटिशन इसमें नहीं है। क्योंकि हमने देखा ड्रीम इलेवन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रखा है, अगर आप ड्रीम इलेवन खेल के फैन वाटिका खेलते हो तो आप आसानी से विन कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज है टीम बनाने का वो ज़्यादा रहेगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, एक बार आप मेरे कहने से इस ऐप को खेल कर देखो, आपका जितना भी लॉस हो चुका है पीछे वो कवर हो जाएगा। क्योंकि हमें उसी बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, या तो नहीं हो या बहुत कम हो, तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, जिससे आप अच्छा विन कर सकते हो। तो आइए हम बनाते हैं फैन वाटिका की टीम कलकत्ता और चेन्नई की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले क्लिक करने के बाद में मेरी एक टीम बनाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेकेंड टीम बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ मैं,
एक जो इसमें ज़बरदस्त जो आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें जो प्लेयर्स की क्रेडिट है वो बहुत ही कम है, जिससे आप अपनी टीम में अच्छे प्लेयर्स पिक कर सकते हो। जैसे हमने ड्रीम इलेवन देखा है कि प्लेयर्स के जो क्रेडिट दिए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिए हुए हैं, 9, 10, 9, 10 या 11 के भी प्लेयर्स है उसमें, और हम अच्छे प्लेयर्स नहीं पिक कर पाते अपनी टीम में। तो इस ऐप में प्लेयर्स के जो क्रेडिट है वो बहुत ही कम है और आप अच्छे प्लेयर पिक कर सकते हो। और इसमें जो ज़बरदस्त बात ये भी है कि टॉस होने के बाद में आप अपनी टीम एडिट कर सकते हो, तो कोई भी प्लेयर आपका मिस नहीं होगा। और जब हमारा प्लेयर मिस नहीं होगा तो या तो हम ज़्यादा अमाउंट विन करेंगे, अगर हम ज़्यादा अमाउंट विन भी नहीं करेंगे तो हमारा लॉस भी नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, एक बार आप मेरे कहने से खेल के ज़रूर देखना। तो हम इस टीम में विकेट कीपर सेक्शन में पिक करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। फिर हम जाते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो हम बैटिंग सेक्शन में पिक करेंगे क्रिस लिन, सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसी और रॉबिन उथप्पा को। और ऑप्शन की बात करूँ तो आपके लिए ईशान जग्गी मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, सौर्य नहीं खेलेंगे, नीतीश राणा जो है अभी तक इंजर्ड ही हैं, जो भी न्यूज़ निकल के यही आ रही है कि ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हो सकता है ये आज के मैच में ना खेले, क्योंकि आपको पता है पिछले मैच में भी ये रिटायर हट हो गए थे। तो आप इन्हें अपनी टीम में मत पिक करना। हाँ, अगर आपको रिस्क लेने की इच्छा हो तब आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो। और ऑप्शन की बात करूँ, शर्मा नहीं खेलेंगे, अपूर्व नहीं खेलेंगे, रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, रिंकू सिंह के ज़्यादा चांसेस है खेलने के, क्योंकि रिंकू सिंह को फर्स्ट मैच में मौका दिया गया था, इसलिए रिंकू सिंह के ज़्यादा चांस रहने वाले खेलने के। मुरली विजय नहीं खेलेंगे, सेम बिलिंग्स नहीं खेलेंगे, अंबाती रायडू आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे और शुभम गिल आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पे शेन वॉटसन, देखिए शेन वॉटसन के जो क्रेडिट है वो 8 दिए गए हैं। तो आप अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में पिक कर सकते हो, हाई चांस रहने वाले हैं आप बड़ा अमाउंट विन करने के। आंध्र रसल को मैं पिक करूँगा, आंध्र रसल के जो क्रेडिट, देखिए 7 क्रेडिट है, और मैं तीसरा ऑलराउंडर पिक करने वाला हूँ ड्वेन ब्रावो को। हम बात करते हैं और ऑप्शन की, तो टॉम करन को आज मौका मिल सकता है, टॉम करन को किसकी जगह, मिचेल जॉनसन की जगह, ये एक चेंज हो सकता है कलकत्ता में। बाकी डेल पोर्ट, डेविड विली नहीं खेलेंगे, केदार यादव इंजर्ड है, इनको आप अपनी टीम में पिक कर रहे हैं। सुनील नारायण बहुत ज़बरदस्त पिक हो सकता है आपके लिए, आप सुनील नारायण को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे आसिफ को पिक करूँगा, कुलदीप को पिक करूँगा, और हम जो लास्ट बॉलर पिक करेंगे वो रहेगा हरभजन सिंह को। तो ये मैंने अपनी टीम पिक कर ली। अब जो एक बात बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्रेडिट अभी भी हमारी 12 क्रेडिट बाकी हैं, तो जिससे आप बेटर टीम बना सकते हो और अच्छा विन कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद में आपको चूज़ करना है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो हम इस टीम में कैप्टन बनाएंगे शेन वॉटसन को, और वाइस कैप्टन बनाते हैं हम MS धोनी को। तो यहाँ से आपको करना है टीम को सेव, टीम को सेव करने के बाद में आप जो भी लीग ज्वाइन करना चाहते हो वो आप लीग ज्वाइन कर सकते हो, और प्लेयर्स तो मिस होंगे नहीं, क्योंकि आप इस ऐप में जो है टॉस हो गया, प्लेइंग 11 दोनों टीमों की आ गए, फिर आप अपनी टीम एडिट आराम से कर सकते हो, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। मेरे कहने से ये ऐप में आप साइन अप करो मेरे रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा और आप अच्छा विन कर सकते हो। आपको इस ऐप की लिंक है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 6 ड्रीम इलेवन की क्रेन लीग्स के टीम के, जो मैंने आपके लिए बारिश को देखते हुए बनाई है। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट टीम की, तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के 3 ऑप्शन दिए गए, जगह जैसे नहीं खेलेंगे। मैंने इस टीम में धोनी को पिक किया है। हम बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक कर रहा है, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, नीतीश रैना, अंबाती रायडू, क्रिस लिन एक आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, फाफ डुप्लेसी सेम ऑप्शन है, ये तीनों प्लेयर यहाँ से नहीं खेलेंगे। रिंकू सिंह के ज़्यादा चांसेस, अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेने की आपकी इच्छा हो तो रिंकू सिंह को आप अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हो। शुभम गिल आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बाकी कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक कर रखा है, शेन वॉटसन, सुनील नारायण और आंध्रे रसल। आप ड्वेन ब्रावो के साथ एकदम सेफ जा सकते हो। टॉम करन के ज़्यादा चांसेस है कुरन के खेलने के, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इनके साथ आप ले सकते हो। बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा आपको एकदम कंफर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने 3 बॉलर को पिक कर रखा है, यहाँ पे आसिफ को, लुंगी एनगिडी को, और मैंने तीसरा बॉलर जो पिक किया है वह शिवम मावी को। और ऑप्शन की बात करो तो पीयूष चावला आपके लिए सेफ ऑप्शन है। मिशेल जॉनसन का मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि पिछले मैच में इनको मौका दिया गया, थोड़ा महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल बॉलर है, मुझे लगता है मिशेल जॉनसन के यहाँ पे ज़्यादा चांस रहने के खेलने के। बात करें विनय कुमार की, तो शिवम मावी की जगह 1% विनय कुमार को मौका दिया जा सकता है, बाकी बहुत ही कम चांस है। कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, इमरान तारिक के सिर्फ 2% चांस कहूँगा, क्योंकि पिछला मैच चेन्नई जीत चुका है। वहीं बात करते हैं हम साधु ठाकुर की, तो पिच जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी,
तो साधु ठाकुर को अगर आप रिस्क लेना चाहो तो अपनी टीम में नहीं पिक कर सकते हो, किसकी जगह करण शर्मा की जगह। करण शर्मा को पिछले मैच में एक भी ओवर नहीं कराया गया था, तो आप साधु ठाकुर को करण शर्मा की जगह अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बात करें डेविड विलियन की, कृष्णा यहाँ पर नहीं खेलेंगे, हरभजन सिंह आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। करण शर्मा का मैंने बता दिया आपको, करण शर्मा और साधु ठाकुर का 50-50 रहने वाला है। दीपक चार इंजर्ड, आप इन्हें अपनी टीम में मत पिक करना, दो हफ्ते के लिए इंजर्ड हो चुके हैं। और ऑप्शन की बात करूँ तो मार्क वुड नहीं खेलेंगे, मुन्नू कुमार नहीं खेलेंगे, सेठ नहीं खेलेंगे, सेरलेस नहीं खेलेंगे यहाँ पे, और ऑप्शन तो कोई है भी नहीं। हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने इस टीम में कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को और वाइस कैप्टन मैंने रखा है सुनील नारायण को। हम बात करते हैं इस टीम के फाइनल प्रीव्यू की, तो ये मेरा फर्स्ट टीम का ग्रैंड लीग का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। जो मैं आपको टीम दे रहा हूँ, मैं उन्हीं टीम के साथ ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। हम बात करते हैं सेकेंड टीम की, तो मैंने यहाँ पे विकेट कीपर चेंज किया, दिनेश कार्तिक को पिक किया है, अंबाती रायडू, फाफ डुप्लेसी, रॉबिन उथप्पा और क्रिस लिन, ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन, आंद्रे रसल, पीयूष चावला, कुलदीप यादव और लुंगी एनगिरी। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा शेन वॉटसन को, वाइस कैप्टन रखा अंबाती रायडू को। शेन वॉटसन को कैप्टन रखने के मेरे हर टीम में दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि शेन वॉटसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ में चार ओवर भी करते हैं, तो आपको शेन वॉटसन से बेटर कैप्टन नहीं मिल सकता। सेकेंड मेरा कारण ये है शेन वॉटसन को कैप्टन बनाने का, क्योंकि आज जो है मैच में बारिश आ सकती है, तो हो सकता है कि मैच शॉर्ट हो जाए 10 ओवर का या 8 ओवर का या 12 ओवर का, कितने भी ओवर का मैच शॉर्ट हो सकता है आज, तो इसीलिए आप शेन वॉटसन ओपनिंग करने आते हैं और ये साथ में बॉलिंग भी कराते हैं, तो बेस्ट कैप्टन की चॉइस आपके लिए शेन वॉटसन की रहने वाली। अगर बारिश भी आएगी तो ये, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो ये आप अपने आप को पॉइंट दिला देंगे। तो इस टीम में मैंने वाइस कैप्टन रखा अंबाती रायडू को। हम बात करते हैं थर्ड टीम की, तो थर्ड टीम में विकेट कैप्टन यहाँ पे चेंज करके एम एस धोनी को रखा है, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन। एक बात मैं और आपको कंफर्म कर दूं, मैं उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में सिक्स टीम में पिक कर रहा हूं, एक दो चेंज करके, जिनकी बैटिंग आनी, जो शो अगर मैच शॉर्ट भी होगा तब भी इनकी बैटिंग आनी एकदम कंफर्म रहेगी। यहां पे ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो शेन वॉटसन, सुनील नारायण और ड्वेन ब्रावो, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, हरभजन सिंह और शिवम मावी। तो इस टीम में मैंने वापस रखा है शेन वॉटसन को कैप्टन और वाइस कैप्टन रखा है क्रिस लिन को। हम बात करते हैं फोर्थ टीम की, तो फोर टीम में मैंने विकेट कीपर चेंज किया, दिनेश कार्तिक को पिक किया, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, फाफ डुप्लेसी, सुनील नारायण, ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन, पीयूष चावला, शिवम मावी और के आसिफ। तो इस टीम में भी मैंने कैप्टन रखा है शेन वॉटसन को और वाइस कैप्टन रखा सुरेश रैना को। हम बात करते हैं फाइव टीम की बात, तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर में चेंज करके एम एस धोनी को रखा है, अंबाती रायडू, क्रिस लिन, फाफ डुप्लेसी, रॉबिन उथप्पा, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और आंद्रे रसल, के एम आसिफ, लुंगी एनगिडी और मिचेल जॉनसन को मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क की पिक किया, क्योंकि हम ग्रैंड लीग की टीम्स बना रहे हैं, तो एक दो रिस्क तो कोई बात नहीं हम ले सकते हैं। इस टीम में वापस कैप्टन रखा है यहाँ पे शेन वॉटसन को, फर्स्ट कैप्टन मैंने रखा है फाफ डुप्लेसी को। हम बनाएंगे लास्ट टीम जो मैंने आपके लिए ड्रीम इलेवन की बनाई है। इस टीम ने यहाँ पे विकेट कीपर चेंज करके दिनेश कार्तिक को रखा है, क्रिस लिन, फाफ डुप्लेसी और रॉबिन उथप्पा, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और सुनील नारायण, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, शिवम मावी और हरभजन सिंह। तो इस टीम में मैंने कैप्टन यहाँ पे रखा है शेन वॉटसन को, वाइस कैप्टन रखा रॉबिन उथप्पा को। तो ये मेरी सिक्स ग्रैंड लीग्स की टीम रहने वाली, इन्हीं टीम के साथ मैं खेलूंगा। अगर आप अपनी टीम में प्लेयर्स चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने कैप्टन में रिस्क लिए, एक ही कैप्टन को रखा है, बाकी प्लेयर्स और वाइस कैप्टन को मैंने चेंज किया है। तो अगर आप मेरी टीम के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, अगर आपका लॉस हुआ तो फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ और मैंने दो वीडियो में इसीलिए बनाता हूँ हर मैच का, ताकि आपको सब कुछ कन्फर्म करा सकूँ, जिससे आप खुद से बेटर टीम बना सको। तो आप या तो एक दो चेंज करके कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। और मैं वापस से बोल दूँ फैन वाटिका, एक बार आप मेरे खेल के देखना, क्योंकि ड्रीम इलेवन हम खेल रहे हैं, उतना हमारा जो प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका फैन वाटिका में है जो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो मैंने आपके सिक्स ग्रैंड लीग की टीम दी और एक फैन वाटिका की जो मैंने टीम दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करना, ताकि सबको सिक्स ग्रैंड लीग की टीम की और फैन वाटिका की ऐप के बारे में पता चल सके, जिससे वो भी अच्छा प्रॉफिट विन कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप भी का फायदा होगा, और क्या फ़ायदा वो मैंने आपको चैनल के सब्सक्राइब करने से बता रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।